तेलंगाना के हैदराबाद स्थित भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी के आवास टीआरएसएस समर्थकों ने आज हमला कर दिया। इस दौरान टीआरएसएस समर्थकों ने जमकर तोड़फाड़ की और सांसद के खिलाफ नारा लगाया। इसका वीडियो भी शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि सांसद के आवास पर समर्थकों ने इसलिए हमला बोला क्योंकि उन्हें टीआरएस सांसद कल्वे कुंतला कविता पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने में झूठा आरोप लगाया था। सांसद ने कहा था कि वह कांग्रेस में शामिल होना चाहती है और इसके लिए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलने भी बुलाया था। वहीं सांसद के इस आरोप पर कविता के बयान जारी करते हुए कहा था कि वह किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोचेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सांसद को ऐसा लगता है कि मैंने खड़गे से बात की या मुलाकात की है तो वह खुद इसकी जांच खड़गे से करा ले। इसके अलावा इसके मामले को लेकर कविता ने भाजपा पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भाजपा के पास केवल निम्न राजनीतिक मानकों वाले नेता हैं। अगर वह उन्हें या उनके परिवार के बारे में बोलना जारी रखते हैं तो निजामाबाद के चौराहे पर उन्हें चप्पलों से मारा जाएगा। जिस वक्त टीआरएसएस समर्थक सांसद के आवास पर पहुंचे उस दौरान सुरक्षा में तैनात तेलंगाना पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और जबरदस्ती गेट में घुस गए। जिसे दौरान टीआरएसएस समर्थकों ने भाजपा सांसद के आवास पर हमला बोला। उस दौरान सांसद के घर में कई महिलाएं भी बाहर मौजूद थी। साफ देखा जा सकता है कि टीआरएसएस समर्थकों के सांसद के आवास पर तोड़फाड़ की। इस दौरान सांसद के घर पर रखे गए गमलों को उठाकर टीआरएसएस समर्थकों के खिड़कियों पर दे मारा, जिससे खिड़कियां के कांच टूट गए। वहीं ऐसा करने के रुकने पर भी पुलिस के जवान से भी भिड़ गए। सैकड़ों की संख्या से ज्यादा टीआरएसएस समर्थक भाजपा सांसद के आवास पर पहुंचते थे। सभी टीआरएसएस का हाथ में झंडे लिए हुए थे, वहीं कुछ समर्थक लाठी भी लिए थे। हालांकि इस हमले को लेकर अभी तक भाजपा सांसद का बयान नहीं आया है। वन इंडिया कॉम हिंदी के तरफ से भाजपा सांसद के संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वहीं टीआरएसएस की तरफ से अभी इसको लेकर कई बयान नहीं जारी किया गया है। खड़े 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 खड